नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडोल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाई सेल सिग्नल कम स्किनर बनाया और उसी के थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ, तो उसको मैंने थोड़ा सा नया करके बनाया हूँ, उसको आप लोग जरा समझ लीजिए। पहले तो इधर ये जो कलर ब्लू कलर का दिख रहा है, ये इक्विटी स्टॉक्स का लेवल है। एक ही फाइल में इक्विटी स्टॉक्स, इसमें ये देखिए, ये जो पीला वाला कलर है ये निफ्टी निफ्टी का ये कमोडिटी का है, और निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ये है, और निफ्टी बैंक निफ्टी का इंडेक्स का लेवल ये है, और फ्यूचर्स का लेवल ये वाला कलर में है। मैंने कलर करके अलग कर दिया, इसको भी मैंने ऐसा कलर डाल देता हूँ, ठीक है। ये इंडेक्स का है, तो इसमें क्या करना है आप लोग ठीक से समझ लीजिए। ये जो इसका जो बाई सेल लेवल है, ये इधर बाई एबव लेवल इधर देखना है, ठीक है। मिडिल में बाई एबव लेवल है। टारगेट वन आप लोग को आगे देखना है, टारगेट टू, टारगेट थ्री, टारगेट फोर, और टारगेट फाइव के लिए बाई एबव का पीछे देखना है, टारगेट फोर के लिए बाई एबव का पीछे देखना है, टारगेट फाइव, टारगेट सिक्स, टारगेट सेवन, टारगेट एट। सेल लेवल का भी ऐसा है, सेल लेवल ये बीच में है, उसके बाद टारगेट वन, टारगेट टू, टारगेट थ्री, टारगेट फोर। फार्मूला ऐसा ही है, इसको बनाना पड़ा, कुछ करना नहीं है, तो इसीलिए इसको बनाना। और टारगेट फाइव के लिए पीछे देखना है, टारगेट फाइव, टारगेट सिक्स, टारगेट सेवन, टारगेट एट। और एल टी पी मतलब जो लास्ट ट्रेड प्राइस चल रहा है उसका हिसाब से कौन सा लेवल में है वो भी आप लोग देख सकते हैं। भाई का टारगेट वन का भाई सेल लेवल और टारगेट वन का बीच में है क्या, टारगेट वन के टारगेट टू बीच में है क्या, कौन सा लेवल पे है वो भी आप लोग सेल का लेवल में भी आप लोग देख सकते हैं कौन सा लेवल पे है वो, तो उसका हिसाब से आप लोग स्टॉक ट्रेडिंग का प्लानिंग कर सकते हैं। जब भी बाई से बाई का बाई अगर आपका ऊपर लेवल है और टारगेट वन के नीचे है तो आप लोग टारगेट वन के लिए आप लोग देख सकते हैं। और मैंने इधर वोलेटिलिटी डिलीवरी पर्सन में चेंज है, क्योंकि आप लोग पसंद का स्टॉक देख सकते हैं, पसंद का स्टॉक का फ्यूचर देख सकते हैं, पसंद का क्रूड ऑयल कमोडिटी भी देख सकते हैं इधर से, और निफ्टी बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स और फ्यूचर्स भी देख सकते हैं। लेकिन ये तीन चार पैरामीटर वोलेटिलिटी डिलीवरी परसेंटेज चेंजिंग प्राइस चेंजिंग वॉल्यूम मैंने रखा है, क्योंकि ये स्क्रीनिंग करके आप लोग देख सकते हैं। सोच लीजिए, मैंने इधर स्क्रीन करता हूँ, सोच लीजिए इधर मैंने 100 के ऊपर प्राइस जो है वो देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो 100 के ऊपर प्राइस आ गया, उसके बाद मैंने मेरा मेन फोकस इंटरडे में है, तो इसीलिए वोलेटिलिटी ज़्यादा मैंने सोच लीजिए ग्रेटर दैन टू रखा है वोलेटिलिटी। और डिलीवरी परसेंटेज थोड़ा सा कम होना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी परसेंटेज जो है वो जितना आप लोग जितना वॉल्यूम में काम होता है उसके अंदर डिलीवरी कितना है और चेंज इन प्राइस ग्रेटर दैन जीरो, ग्रेटर दैन जीरो मतलब चेंज इन प्राइस पॉजिटिव है, और चेंज इन वॉल्यूम भी अब मैंने पॉजिटिव कर दिया हूँ। और डिलीवरी परसेंटेज के मैं जो बोल रहा था, टोटल क्वांटिटी जो ट्रेडिंग हो रहा है तो उसके अंदर सोच लें कितना डिलीवरी में भी होते कर रहा है, डिलीवरी कर रहा है कोई लोग और कितना इंटरटे कर रहा है वो डिलीवरी परसेंटेज से आप लोग पता चल सकता है। तो इसलिए मैंने डिलीवरी परसेंटेज ग्रेटर देन 20 में अच्छा रहता है। ये इतना स्टॉक्स में आप लोग ध्यान दे सकते हैं, इसका लेवल दे सकते हैं इंटरटे के लिए, ऐसे आप लोग स्क्रीनिंग भी इसको कर ले सकते हैं। मैंने तो ईओडी दे दूँगा, ईओडी की मैं स्क्रीनिंग करके दे दूँगा, लेकिन आप लोग मेरा फिर सर्विस लेंगे उसमें कोई चार्ज नहीं है, तो आप लोग कॉपीट करके मेरे को उससे दे सकते हैं, तो आप लोग को ये लाइव मार्केट में भी अपडेट मिलेगा, आप लोग को बहुत कम पे आएगा। आप लोग कॉपीट करके मेरे को प्रॉफिट का शेयर दे सकता है। ये अब समझ में, ये मेरा बस, ये मैंने मेरा